गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना। कुछ दिनों से अपन ने वीडियो नहीं डाली, उसके लिए थोड़े लेट हो गए थे कुछ काम से। तो आज अपन पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना। वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना क्या होता है? वेस्टिब्यूल का अर्थ क्या होता है कि ऐसी जगह जो वेजाइना में एक खांच बनाती हो। खांच मतलब ऐसा पास जो डिप्रेस रहता हो या डिप्रेसिव पार्ट जो धसा हुआ रहता हो, खांच बनाती हो या क्लेफ्ट बनाता हो, उसे अपन क्या होता है? वेस्टिब्यूल। और ये वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना, ये वेजाइना में कहाँ पे होता है? ये होता है लीबिया माइनोरा के जस्ट नीचे की तरफ। लीबिया माइनोरा जब जो लीबिया माइनोरा जो लेयर है उसके जस्ट नीचे जो खांच बनती है, ये मेजोरा, ये माइनोरा, इसके नीचे जो खांच बनती है ये वाली खांच, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, क्लिटोरिस, ठीक है। तो ये जो खांच बनती है ये वाली, जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जाती है, उस खांच को ही अपन बोलते हैं, या डिप्रेस वाला पार्ट, ये डिप्रेशन थोड़ा धसा हुआ उसको ही बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल होती है दो टाइप की, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वेस्टिब्यूल टू टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप कौन सा है? ग्रेटर वेस्टिब्यूल। इसमें ऐसे समझने की कुछ जरूरत नहीं है, ग्रेटर मतलब जो थोड़ा बड़ा दिखता हो, बड़ी खांच, उसको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूल। और ये होती है लेजर वेस्टिब्यूल, एक होती है लेजर वेस्टिब्यूल जो थोड़ी छोटी दिखती हो। तो लेजर ग्रेटर वेस्टिब्यूल हो गए। और ये वेस्टिब्यूल पाई कहाँ पे जाती है, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये एंटीरियर एंटीरियर तरफ मतलब ऊपर की तरफ या आगे वाला या ऊपर की तरफ, इसके ऊपर में क्या होता है? वेस्टिब्यूल के ऊपर में होता है क्लिटोरिस। मतलब जैसे ये वेस्टिब्यूल यहाँ पे धसा हुआ पार्ट है, जैसे आपको ये धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, मैंने रेड मार्कर लिया है, ये दशा हुआ, इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ ये कहाँ से जुड़ी रहती है? क्लिटोरिस से। और इसके जस्ट नीचे की तरफ ये कहाँ से होती है? फ्रेनुलम या फोर्सिटी या पोस्टीरियर भाग, इसका एंटीरियर पार्ट होता है क्लिटोरिस से अटैच, और पोस्टीरियर पार्ट किससे होता है? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम या फोर्चिट से, ठीक है। और इसके अराउंड, जैसे कि अपन पोस्टीरियर एंटीरियर पढ़ लिए, लेकिन इसके अराउंड में किस भाग से ये कवर रहती है, या किस भाग से सराउंड रहती है, या किस भाग से ढकी हुई रहती है, वो ये अपन देख रहे हैं। ये रहता है लीबिया माइनोरा से। लीबिया माइनोरा मैंने पढ़ा था डिप्रेशन के जस्ट नीचे वाला भाग, तो लीबिया माइनोरा से ये अराउंड या कवर रहती है, ये कवर रहती है लीबिया माइनोरा से। अब इसके बारे में अगली इन्फॉर्मेशन है कि जो ये वेस्टिब्यूल होती है, वेस्टिब्यूल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो इसमें मिलती है। तो अपन फर्स्ट पार्ट अपन ने देखा था कि वेस्टिब्यूल के अंदर ये वाला पार्ट, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पार्ट आ गया अपना वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, और इसमें कुछ डक्ट्स होती है, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड में आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे आप नाम जान लीजिए
कि उस ग्लैंड का नाम क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं उनको, क्योंकि ये वेस्टिबुल के इस जगह पे पाई जाती है, तो इसको बार्थोलिन या वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ये चारों चीज़ें इसमें वेस्टिबुल में पाई जाती है, अपनों को देखने को मिलती है। ये चारों चीज़ें ही वेस्टिबुल से होके ओपनिंग निकलती है इनकी। कौन कौन? यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, डक्ट की ओपनिंग और ग्लैंड की ओपनिंग। जो ग्लैंड होती है वो यहीं पे पाई जाती है वेस्टिबुलों के अंदर। यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ये वेस्टिबुल के अंदर पाई जाती है। वेजाइनल ओपनिंग होती है ये भी वेस्टिबुल में पाई जाती है। डक्ट्स भी वेस्टिबुल में पाई जाती है। इसके बाद फिर आता है अपना अगला वाला पार्ट। फिर अपन अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है? ऐसा पार्ट फीमेल वजाइना के अंदर जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, उसे यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। मेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है यूरेथ्रल एंड सीमन। मेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग एंड सीमन जहाँ से पास आउट होता है वो एक ही पार्ट पाया जाता है। और सेकेंड वन की फीमेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है और वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है। यूरेथ्रा में यूरिन पास आउट होता है, वेजाइना में जो फीमेल का जो सीमन वगैरह होता है वो पास आउट होता है। तो दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसका डायमीटर होता है 2 to 3 centimeters। यूरेथ्रल ओपनिंग का डायमीटर क्या होता है? 2 to 3 centimeters डायमीटर, मतलब इसकी लंबाई जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 centimeters होता है। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है मैं आपको डायग्राम से बता दूं, वेजाइना, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या होता है? इसके जो सराउंड के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको पूरा सराउंड करती है, मतलब पूरा गोल इसमें जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है इसको पूरा ढकती है या इसके चारों तरफ पाई जाती है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? स्किनी ग्लैंड। क्या नाम है उसका? उस ग्लैंड का नाम है स्किनी ग्लैंड। जो क्या करती है? इसके चारों तरफ पाई जाती है, यूरेथ्रल ओपनिंग को सराउंड करती है या ढकती है, उसको बोलते हैं स्किनी ग्लैंड। ये ग्लैंड यूरेथ्रल ओपनिंग के बाहर चारों तरफ पाई जाती है। स्किनी ग्लैंड मेल के अंदर होमोलोगस पार्ट क्या होता है? स्किनी ग्लैंड होमोलोगस पार्ट ऑफ द मेल प्रोस्टेट। जो मेल का जो प्रोस्टेट होती है उसके समान ये काम करती है, उसके समान ये ग्लैंड भी होमोलोगस होती है, स्किनी ग्लैंड। और जो यूरेथ्रल होता है ये कहाँ होता है? जो क्लिटोरिस से पोस्टीरियरली, मतलब नीचे की तरफ जो यूरेथ्रा होता है वो क्लिटोरिस से पोस्टीरियरली नीचे की तरफ 2 to 3 centimeters पाई जाती है। कहाँ पे? पोस्टीरियर की तरफ, क्लिटोरिस से पोस्टीरियर की तरफ 2 to 3 centimeters में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। उसका काम क्या है? फंक्शन, इसका फंक्शन है
फंक्शन है इसका यूरिन पास आउट। ठीक, अपन ने आज दो चीज़ पढ़ी, वेस्टिब्यूल यूरेथ्रल ओपनिंग। अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे वेजाइना ओपनिंग या वेजाइना ऑर्फिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन वेजाइनल ओपनिंग। थैंक यू।